हरे कृष्ण। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहां लोग अपनी जिज्ञासा जाहिर करते हैं कि आखिर इस भाग दौड़ की जिंदगी में भक्ति कैसे की जाए, और ये बताने पर कि इस कौन द्वारा सुझाए गए भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से उनके मन से ये जिज्ञासा दूर हो जाएगी, तो वे पूछते हैं कि भक्त आखिर दिन भर करते क्या क्या हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इस कौन के भक्तों की दिनचर्या क्या होती है। मंदिर में पूर्ण रूप से समर्पित भक्त जो अपना जीवन भगवान की सेवा करने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर चुके होते हैं, उनकी दिनचर्या सुबह 3:30 बजे से शुरू होती है। सभी सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की 4:30 बजे वाली मंगला आरती में सम्मिलित होते हैं। फिर 2 घंटे मंत्र ध्यान जप करते हैं। इस्कॉन के हर मंदिर में रोज भगवान का श्रृंगार होता है, गुरु पूजा होती है और श्रीमद् भागवतम का सत्र होता है। इसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती है, जहां पेट भर भोजन प्रसाद लेकर सभी भक्त अपने अपने चिन्हित कार्यकलापों में लग जाते हैं। कोई अकाउंटेंट की सेवा करता है तो कोई पुजारी की, कोई विभिन्न लोगों से मिलने जाता है और उनको भक्ति के मार्ग में अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, तो कोई भगवत गीता आदि ग्रंथों का घर घर जाकर प्रचार करता है, तो कोई मंदिर के विभिन्न प्रबंधन कार्यों की देखरेख करता है। वे स्वयं को दिए गए सारे कार्यों को किसी वरिष्ठ भक्त के निर्देशन में जिम्मेदारी से पूरा करते हैं। लोगों में यह गलत धारणा है कि मंदिर में रहने वाले भक्त लोग खा पीकर मंदिर में सोते हैं और कोई काम धाम नहीं करते। इसके विपरीत मंदिर के भक्त सुबह ब्रह्म मुहूर्त से उठकर 10:00 बजे तक व्यस्त रहते हैं और उनके लिए शनिवार या रविवार की कोई छुट्टी भी नहीं होती। वे स्वेच्छा से आनंद पूर्वक भगवान की सेवा में स्वयं को व्यस्त रखने में अपने आप को धन्य मानते हैं। अब लोग पूछते हैं कि हर कोई तो सामाजिक जिम्मेदारियों को छोड़कर मंदिर में नहीं जा सकता, परिवार और समाज के प्रति भी कोई जिम्मेदारी है, उसके अलावा मुझे नौकरी भी करनी है, दुनिया के ऐशो आराम का अनुभव भी करना है, घर बसाना है, तो क्या मैं भक्ति नहीं कर सकता? तो उन लोगों के लिए हम बताना चाहेंगे कि इस्कॉन में 95% भक्त मंदिर में नहीं बल्कि साधारण लोगों की तरह समाज में अपने परिवार और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भक्तिमय जीवन बिताते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य सादा जीवन उच्च विचार के साथ भगवान की निष्काम भक्ति करना है। वे अपने जीवन को सरल रखते हुए अपने कर्मों के फल को भक्ति के कार्यों में निवेश करते हैं। एक भक्त परिवार की दिनचर्या भी सुबह 4:00 बजे से आरंभ हो जाती है। सभी सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के नामों का ध्यान पूर्वक जप करते हैं। महिलाएं बच्चों और पति के सुबह के नाश्ते का प्रबंध करती हैं। पति और बच्चे घर में बने हुए मंदिर में विग्रहों की सेवा आरती करते हैं। फिर सभी अपने अपने कार्यों के लिए घर से निकल जाते हैं। बच्चे स्कूल और पुरुष अपने नौकरी धंधे पर जाते हैं। घर में जो भी भोजन पकवान इत्यादि बनता है वह इस भावना से बनाया जाता है कि भगवान स्वयं इसे ग्रहण करेंगे और भगवान के विग्रहों के समक्ष भोग के लिए उसे प्रस्तुत किया जाता है। शाम को सब लोग अपने अपने घरों में गीता या भागवत का पाठ करते हैं या कुछ मित्रों को बुलाकर उनके साथ भगवत चर्चा करते हैं, कीर्तन करते हैं। सभी एक साथ भगवत भक्ति में अग्रसर होने के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। इस प्रकार एक लक्ष्य भगवत भक्ति में सभी आनंद पूर्वक अपना सामाजिक जीवन जीते हुए भक्ति भी करते हैं। फिर लोग पूछते हैं कि समाज में तो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके साथ कैसे रहते हैं? इसके लिए आचार्य बताते हैं कि भक्तों को समाज में वैसे ही रहना चाहिए जैसे कीचड़ युक्त पानी में कमल रहता है। कमल उस परिस्थिति में रहता हुआ भी उससे अछूता रहता है। उसी प्रकार एक भक्त को भी अपने चारों ओर एक हरिनाम कवच निर्मित करके जिम्मेदारी के साथ सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्तिमय जीवन जीना चाहिए। ये सुनने में जितना आसान है उतना ही व्यवहार में लाना मुश्किल, पर संसार में कौन सी अच्छी चीज सस्ते में मिल जाती है? आसानी से मिल जाती है। प्रयास करने से ही सब कुछ संभव है। जिस प्रकार हम जीवन में आनंद और शांति के लिए अन्य योजनाएं बनाते हैं, पर इतिहास गवाह है कि कोई भी योजना सफल नहीं हुई है।
परंतु यह कठिन लगने वाले मार्ग को, लक्ष्य को पाने में सबसे कारगर और अचूक सिद्ध हुआ है। अगला ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोग मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। तो पहली बात, मनोरंजन की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब मन थका हुआ हो, पर भक्त भक्ति में प्रफुल्लित और आनंदित रहते हैं। मन बहलाने के लिए यदा कदा विभिन्न तीर्थ स्थानों पर या फिर भगवान से संबंधित धामों की यात्रा करते हैं। इस प्रकार भक्ति और भगवान केंद्रित जीवन जीते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक है और सरल है। अतः हमारा आप सबसे भी अनुरोध है कि कृपया निकटतम इस्कॉन मंदिर में जाकर इस मार्ग के विषय में अधिक जानकारी लें या हमसे फ़ोन पर संपर्क करें और अपना जीवन शांतिमय और सुखमय बनाएं तथा भगवान के प्रिय बनें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।